आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर इलेवन जो कि है एंगुलर काइनामेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट कोई भी ह्यूमन मूवमेंट है उसकी दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है कानामेटिक कंपोनेंट जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन से प्लेन पे मूवमेंट हो रही है क्या एंगल है क्या रेंज है और एक होता है काइनेटिक कंपोनेंट उसमें हम डिस्कस करते हैं फोर्स को तो आज हम डिस्कस करेंगे काइनामेटिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मूवमेंट और वो भी लीनियर कंपोनेंट नहीं बल्कि एंगुलर कंपोनेंट को तो सबसे पहले हेडिंग है ऑब्जर्विंग द एंगुलर कानोमेटिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर कानीटिक्स को हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं क्यों देखते हैं कि किस प्लेन पे मूवमेंट हो रही है क्या रेंज है वगैरह तो जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो मल्टीपल जॉइंट्स पे होती हैं मतलब कि आ, किसी भी वक्त अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो वो पर्टिकुलरली एक जॉइंट पे नहीं होगी बल्कि बहुत सारे जॉइंट्स होके जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बॉडी की मूवमेंट में फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसलेशन है यानी सिंपल लोको मोशन है बॉडी मूव कर रही है इन द मीडियो लेटरल एक्सेज या सजाइटल प्लेन में तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे उसके मूवमेंट में हिप भी इन्वॉल्व होगा नी भी और एंकल भी इन सब जॉइंट्स में मूवमेंट हो रही होंगे सिंपल अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो और अगर हम जंपिंग जैक्स कर रहे हैं जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में होते हैं फ्रंटल प्लेन में तो उसमें भी जो है वो शोल्डर भी इन्वॉल्व होगा और हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व होगा यानी अगर कोई भी मूवमेंट है तो उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम देखने के लिए कि टाइमिंग क्या है किस तरह वो मूव कर रहे हैं क्या टाइमिंग है और क्या रेंज ऑफ मोशन है जिसपे जो है वो जॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो ये देखने के लिए हम एंगुलर कॉर्नामेटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं जो एनालिस्ट होते हैं एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट वो देखते हैं कॉर्डिनेशन मसल की कि किस तरह से मसल कोऑर्डिनेट करके जॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं और क्या क्या फोर्सेस हैं जो कि रिजल्टिंग मतलब हो रही हैं जॉइंट एक्शंस की वजह से मतलब जो जॉइंट मूव कर रहे हैं उसकी वजह से क्या फ़ोर्स प्रोड्यूस हो रही है और किस तरह की कोऑर्डिनेशन है मसल में तो एनालिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंगुलर कैनामेटिक्स को विजुअल ऑब्जर्वेशन होती है थ्रू आइज और जो है वो पेपर के ऊपर जो है प्रो, प्रोजेक्टिंग फिल्म इमेजेस बनाई जाती हैं वीडियोस और फिल्म्स देख फिल्म होती हैं ह्यूमन मूवमेंट की और जो है वो कंप्यूटराइज्ड भी जो है वो लिंक्ड कैमराज होते हैं कंप्यूटर लिंक कैमराज जो कि जनरेट करते हैं थ्री डायमेंशनल काइनेटिक एंड काइनामेटिक्स कंपोनेंट ऑफ बॉडी मोशन जिसमें हम देख सकते हैं कि मतलब बॉडी की क्या काइनेटिक्स है क्या कानामेटिक्स है तो ये सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एंगुलर काइनामेटिक्स को नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट एंगल्स एंड बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन तो दो तरह के जो है वो मतलब जॉइंट मेजरमेंट होती है एक होते हैं रेलेटिव एंगल और एक होते हैं ऑब्सोल्यूट एंगल तो सबसे पहले हम रेलेटिव एंगल्स को डिस्कस करेंगे रेलेटिव एंगल्स को हम जॉइंट एंगल्स भी कहते हैं ये जो जॉइंट एंगल्स होते हैं ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि बनते हैं हमारी बॉडी के अनेटमिकल पोजिशन के दरम्यान में और उस बॉडी सेगमेंट के दरम्यान में जो कि मूव किया हो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाऊँगी कि हमारी जो बॉडी है उसमें एनाटमिकल पोजीशन होती है उसकी मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें जो सारे जॉइंट्स हैं वो फुली एक्सटेंडेड हों स्ट्रेट हों और उन सब की जो मतलब के डिग्री हो वो ज़ीरो हो तब उस पोजीशन को हम कहते हैं एनाटमिकल पोजीशन बॉडी की जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो ये जो जॉइंट एंगल्स होते हैं ये हम मेजर करते हैं विद रिलेटिव टू द एटमिकल पोजिशन यानी बॉडी की बिल्कुल स्ट्रेट अनैटमिकल पोजिशन है तो उसके रिलेटिव हम फाइंड करेंगे कि जॉइंट एंगल क्या होते हैं कितना बॉडी पे एंगल आया है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आर्म को एलिवेट करते हैं इस तरह सजाइटल प्लेन में अपने आगे को थोड़े सा आर्म को निकालते हैं एलिवेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शोल्डर पे अगर हम फ्लेक्शन करें तो विद रिलेटिव टू द एटमिकल पोजिशन हम हम उसको ऑब्जर्व करेंगे हमारी बॉडी की एनाटमिकल पोजीशन में सारे एंगल्स ज़ीरो पे होते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू जीरो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर बॉडी ने फ्लेक्शन की है फ्रंट पे तो जीरो से स्टार्ट करके वो कहाँ तक मूव किया है तो फिर हम उसका एंगल निकालेंगे तो ये जो जॉइंट एंगल्स होते हैं तो हम इसको विद रेलिटिव टू द एटमिकल पोजिशन फाइंड करते हैं इसीलिए इन जॉइंट एंगल्स को रेलेटिव एंगल्स भी कहते हैं क्योंकि एक इसमें कंपोनेंट होता है हमारा बॉडी का एनेटमिकल पोजिशन और दूसरा कंपोनेंट होता है वो बॉडी का सेगमेंट जो कि मूव किया हो तो जो हमारे पास गोनियोमीटर होते हैं जिसमें हम बॉडी के एंगल्स फाइंड करते हैं वो भी रिलेटिव एंगल्स को मेजर करता है एक हम आम उसका एक बॉडी पार्ट पे रखते हैं और दूसरा आम हम उसका दूसरा बॉडी पार्ट पे रखते हैं तो वो भी इसी तरह फाइंड करता है विद रेफरेंस टू द एनेटमिकल पोजिशन जबकि जो दूसरा मेथड होता है जो कि एब्सल्यूट एंगल को फाइंड करता है वो होता है बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन में हम ये करते हैं कि मतलब विद रेफरेंस टू द फिक्स्ड लाइन हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आइदर हॉर्जेंटल या वर्टिकल और उस लाइन के रिस्पेक्ट से हम जो है वो फाइंड करते हैं एंगल्स को तो बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन की यही डेफिनेशन है कि इट इज़ द एंगुलर ओरिएंटेशन हम बॉडी को ओरिएंट करते हैं बॉडी सेगमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस यानी जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो ख़ुद ही ड्रा करते हैं और वो फिक्स्ड होती है आइदर हॉर्जेंटल और वर्टिकल हम उसको अनेटमिकल पोजिशन से कंपेयर नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बॉडी को इस तरह से अलाइन किया है तो हम विद रिस्पेक्ट टू हॉर्जेंटल या वर्टिकल लाइन्स ख़ुद ड्रा करके जो है वो उसको कैलकुलेट करेंगे हम बॉडी का एनाटमिकल पोजिशन को रेफरेंस नहीं लेंगे मतलब कि या तो हम हॉर्जेंटल लाइंस ड्रा करेंगे इस तरह से हॉर्जेंटल लाइंस ड्रा करेंगे या हम वर्टिकल ड्राइंग लाइंस को ड्रा करेंगे ये जो हमारे पास बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन होता है जिसमें हम जो है वो एंगल निकालते हैं बॉडी ओरिएंटेशन एंगल या जिसको हम ऑप्सल्यूट एंगल भी कहते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर हम किसी भी जॉइंट पे हमने फाइंड करना है उसका एंगल तो खुद ही से एक हॉर्जेंटल लाइन या हम वर्टिकल लाइन ड्रा करके उसको फाइंड कर लेते हैं जबकि जो दूसरा होता है हमारे पास जॉइंट एंगल या रिलेटिव एंगल उसमें हम दो बॉडी सेगमेंट्स के दरमियान ही जो है वो एंगल निकाल सकते हैं तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी यही है द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन इज इक्वल टू द बॉडी सेगमेंट ओरिएंटेशन के किस तरह बॉडी जो है वो ओरिएंटेड है और हम उसको मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑबसेल्यूट रेफरेंस लाइन आइदर हॉर्जेंटल या वर्टिकल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें रेलेटिव और अप्सल्यूट एंगल्स को तो इस तरह होगा कि यहाँ पे देखें यहाँ पे बन रहे रेलेटिव एंगल जिसे हम जो है वो जॉइंट एंगल भी कहते हैं ये जो जॉइंट एंगल होता है ये रिलेटिव एंगल होता है यह हम फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनाटमिकल पोजिशन ऑफ द बॉडी यानी दो बॉडी सेगमेंट्स के दरमियान ही हम इसको फाइंड करते हैं लेकिन जो हमारे पास दूसरा एंगल होता है ऑब्सल्यूट एंगल या जिसे हम कहते हैं बॉडी ओरिएंटेशन एंगल वो हम विध विद रेफरेंस टू द हॉर्जेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके खुद निकालते हैं तो ये दो तरह के एंगल्स थे जॉइंट एंगल या रिलेटिव एंगल और दूसरा है ऑब्सल्यूट एंगल जिसको हम बॉडी ओरिएंटेशन और एंगल भी कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स फॉर मेजरिंग बॉडी एंगल्स ये कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम बॉडी एंगल्स को मेजर करते हैं तो यहाँ हमारे पास थ्री तरह के टूल्स हैं पहला है गोनियोमीटर। गोनीोमीटर तो बहुत कॉमन है क्लिनिक्स में ये जो है वो रिलेटिव जॉइंट एंगल मेजर करता है एक हमने पढ़ा ना दो एंगल होते हैं एक ऑब्सल्यूट और एक रिलेटिव तो ये जो गोनियोमीटर होता है ये रिलेटिव जॉइंट एंगल मेजर करते हैं यानी इसके दो आर्म्स होते हैं एक आर्म हम एक बॉडी सेगमेंट पे रखते हैं दूसरा आर्म हम दूसरे बॉडी सेगमेंट पे रखते हैं और बीच में इसका एक्सेज होता है तो इस तरह से एक इसका मूविंग आर्म होता है और दूसरा इसका फिक्स्ड या स्टेशनरी आर्म होता है और यहाँ इसका जो है वो एक्सेज होता है जो कि हम जॉइंट के जॉइंट के ऊपर रखते हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रही है अगर हम सिंपल एंगल को देखें तो एंगल के दो आर्म्स होते हैं और जहाँ वो आर्म्स मिल रहे होते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं तो एंगल फाइंड करने के लिए जो है वो गोनीमीटर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के एंगल्स को फाइंड करता है इसके दो दोनों आर्म्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडली दो बॉडी सेगमेंट्स के ऊपर हम रखते हैं और जो एक्सेस होते हैं वो जॉइंट के ऊपर रखते हैं और हमारी जो रीडिंग है वो उतनी ही एकोरेट आएगी जितना एकूरेट हमने जो है वो गोनीमीटर को पोजीशन किया होगा अगर हमें बॉडी में जॉइंट्स के एनाटमिकल पोजीशंस पता होंगी अगर हमें एनाटमी आती होगी कि कौन से जॉइंट जो है वो कहाँ पे बन रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तभी हम जो है वो एकट गोनीोमीटर की रीडिंग निकाल सकते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रो गोनीोमीटर जिसको हम एलगोन भी कहते हैं ये इलेक्ट्रिकली हमें जो है वो एंगल्स मेजर करके देता है बॉडी एंगल्स को नेक्स्ट है इंक्लाइनोमीटर इंक्लाइनोमीटर भी एक डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है स्लोप को एलिवेशन या डिप्रेशन हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ होते हैं उनको मेजर करती है नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन रोटेशन हम उस पॉइंट को कहते हैं या उस सेंटर को कहते हैं जहाँ पे रोटेशन हो रही हो एट अ इंस्टेंट यानी एग्जैक्ट टाइम पे जो सा तो हमने टाइम लिया अगर उस टाइम पे जिस पॉइंट पे या जिस सेंटर पे रोटेशन हो रही है उसको हम कहते हैं इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन क्योंकि अगर डिफरेंट जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही है जैसे जो है वो टीबीओ फिम्यूरल टीबीओ फिमूरल जॉइंट पर फ्लेक्जन हो रही है तो फ्लेक्जन खाली नहीं होगी वो उस मीडियल रोटेशन भी होगी उसमें और एंटीरियर डिसप्लेसमेंट भी होगी जब फ्लेक्जन हो रही होगी क्योंकि जो हमारे पास uh, वो होते हैं एलिप्सॉइडल शेप होती है फिमोरल कोंडाइल्स की फिमोरल कोंडाइल्स की एलिप्सॉइडल शेप की वजह से जो है वो मीडियल रोटेशन भी होती है एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट भी होती है जब जो है वो फ्लेक्जन हो रही होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे रोटेशन हो रही है वो एक ही हो क्योंकि जब हम डिफरेंट रेंजेस में मोशन हो रही होती है डिफरेंट रीजन में जॉइंट मूव कर रहा होता है तो जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहता है वैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन भी जो है वो चेंज होती रहती है तो वो लोकेशन जहाँ पे एग्जैक्ट मूवमेंट हो रही हो किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन यानी उसी वक्त कौन सा पॉइंट है जहाँ पे रोटेशन हो रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है जिस तरह अगर हमने फ्लेक्जन स्टार्ट किया है तो टेन फ्लैक्जन हुई है तो एक ही पॉइंट है जहाँ पर मूवमेंट हो रही है ट्वेंटी हुई है तो थोड़ा सा और पॉइंट चेंज हो गया है तो यानी पूरी टोटल फ्लैक्जन में पॉइंट एक ही नहीं रहेगा जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है तो एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट सेंटर जहाँ पे रोटेशन हो रही हो एट अ पॉइंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट उसको हम कहते हैं इंस्टेंट सेंटर ऑफ रोटेशन डिफरेंट हमारे पास डिवाइस होती हैं जैसे एक्सरे होता है रो एंड जेनोग्राम जिसे हम कहते हैं एक्सरे को तो एक्स रे जो है वो हर टेन डिग्री इंटरवल के बाद जो है वो फाइंड करते हैं थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन के कौन सा पॉइंट है कौन सा इंस्टेंट सेंटर है रोटेशन का क्योंकि जैसे जैसे डिग्री चेंज होती रहेगी वैसे वैसे रेंज ऑफ मोशन भी चेंज होगी और जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट सेंटर भी चेंज होता रहेगा तो एक्स रे हम करते हैं देखने के लिए कि एग्जैक्ट सेंटर क्या है इंस्टेंट सेंटर क्या है रोटेशन का जैसे जैसे जो है वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया अब हम जो एंगुलर कैनोमेटिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे